नमस्कार सेजिटेरियस, सेजिटेरियस यानी धनु राशि, मैं सुरेश कौर ट्रिपल एस एन डी टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन चला हुआ या ब्रेकअप में है, किसी रीजन से उनकी आपस में बातें नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। और ये 4 नवंबर से 11 नवंबर के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। जनरल होने के कारण ये आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो सेजिटेरियस सबसे पहले देख लेते हैं कि जो आपके पर्सन हैं जिनकी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं या ब्रेकअप चला हुआ है, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेजिटेरियस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव फेज से होकर गुजरा, काफ़ी परेशानी दुविधाएं रही है, वाद विवाद रहा है। इस रिश्ते में या तो बातें नहीं हो रही हैं या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन बातें नहीं कर रहे हैं, या फिर अगर बातें हो भी रही हैं तो इतने इमोशनल लेवल पर अच्छी नहीं हो रही हैं। तो वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस से, इस परेशानी दुविधा से महसूस कर रहे हैं कि जो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है ये उनकी खुद की बनाई हुई है, ये जो बंधन है वो उससे मुक्त होने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आंखों से पट्टियां खोलकर अगर बजाय के वाद विवाद में रहने के, इस रिश्ते को भारी भरकम बनाने के, एक दूसरे से बातें कर ली जाती हैं तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और रुककर ठहर कर सोच विचार करके 2 कदम पीछे हटकर अगर इस आंखों से पट्टियां खोलकर अगर इसमें डिसीजन लिया जाता जो रास्ता उनको अच्छी दिशा देता है, अगर उस रिश्ते पर चलते हैं, करेज हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं और ये बिना डरे हुए, बिना घबराए हुए, अंदर का डर बाहर निकालते हुए एक दूसरे से खुलकर बातें कर लेते हैं तो शायद कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। समय के साथ साथ चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी और इस परेशानी से, इस दुविधा से वो बाहर निकल पाएंगे। तो ऐसा वो आपके बारे में फील कर रहे हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल करने के, आमने सामने बातें कर लेनी चाहिए और इसका मार्ग बनाना चाहिए। जो रास्ता सही रास्ता दिखा रहा है उधर उस पर चलना चाहिए। देखते हैं वो क्या चाहते हैं आपसे, सेजिटेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन सेजिटेरियस से क्या चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वंड्स। तो सेजिटेरियस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि इसे चाहे भले ही किसी ने किसी को भी दुख दिया है, लेकिन अगर वो इस रिश्ते को अगर एक मौका और देंगे तो ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। अगर वो इस नेगेटिव इससे बाहर निकलते हैं और इस रिश्ते को स्टैंड देते हैं, खड़े होते हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी, क्योंकि दोनों तरफ से ही जो प्यार प्रेम है वो अब भी दिखाई दे रहा है, भले वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इमोशंस हैं दोनों में, प्यार प्रेम है। और इसमें आगे बढ़ने के लिए वो परिवार की, फैमिली की मदद ले सकते हैं या फिर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर वो इस रिश्ते को एक परिवार, फैमिली की तरह बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी और ये रिश्ता खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। एक फैमिली, एक परिवार बनेगा और स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आएगी, अबंडेंस मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और रिश्ता एक होगा। ऐसा वो आपसे चाहते हैं, वो एक फैमिली, एक परिवार की तरह इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसमें आप फैमिली का सपोर्ट लेते हुए या परिवार का सपोर्ट लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, इसमें स्टैंड लेंगे, चाहे किसी ने भी किसी को दुख दिया है,
लेकिन दोनों अब भी इस परेशानी से दुविधा से गुजर रहे हैं, तो ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो वो आपसे इसमें स्टैंड चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक मौका और दें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। वो क्या एक्शन लेंगे देख लेते हैं। सेजिटेरियस के पर्सन सेजी के लिए क्या एक्शन लेंगे। टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो वो यही एक्शन चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में वो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, तो अगर इस ओवर कंट्रोल को, ओवर स्ट्रेस को, इस एंजाइटी से, इस परेशानी से वो बाहर निकलेंगे, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल से, और बैलेंस लाएंगे, जो जो लड़ाई झगड़ा है जिसकी वजह से इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ पा रहा, तो उसको छोड़ते हुए अगर प्यार के साथ, प्रेम के साथ एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और इस रिश्ते में यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ स्टेबिलिटी लाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, और जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ है उसमें उसको हैंडल करेंगे अच्छे से, अच्छे तरीके से, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, तो ये रिश्ता फिर से, जो इसमें ठहराव नहीं आ रहा है, जो ये रिश्ता अप एंड डाउन जा रहा है, तो उसमें ठहराव आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली की तरफ ये रिश्ता बढ़ेगा। और सबसे पहले अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने पैरों पर खड़े हुए, अपना नेम, अपना फेम, अपना बिजनेस, अपना जॉब, अपना करियर, अपना पैसा, अपनी मनी, अगर उस पर ध्यान देते हैं तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी, चीज़ें हील होंगी और आगे जाकर रिश्ता फ्रूटफुल होगा। एक बिगनिंग, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, जो ये यंग एनर्जी है या जो ये बच्चे की एनर्जी है, मैच्योर एनर्जी है, अगर यंग एनर्जी के साथ मिलकर एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, तो चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू होंगी, और जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा था, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो इसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो प्यार से, प्रेम से, अगर एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए इसमें स्टेबिलिटी लाएंगे, तो खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। यही एक्शन इसमें चाह रहे हैं कि एक दूसरे से माफ़ी मांगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाए। गाइडेंस देख लेते हैं इसकी क्या रहेगी। यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द मून एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस रिश्ते, ये रिश्ता जो है अभी अप एंड डाउन जा रहा है, इसमें जगलिंग फेज में आप हैं, कभी आपके पास ऑप्शन होते हुए भी आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको इसमें बैलेंस बनाना है, और जो अननोन फियर है, जिससे आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, आपको लग रहा है कि आपके साथ जो आपके पार्टनर हैं वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाया जा रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, कोई हेरा फेरी हो रही है, कोई चालबाजी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, तो जिसकी वजह से ये रिश्ता नेगेटिव बनता जा रहा, तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के दुविधा में रहने के, बजाय के दूसरे लोगों की बातें सुनने के, अगर आप खुलकर आमने सामने बातें कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही है वहाँ बैलेंस आ सकता है। और आप चुप रहिए, मौन रहिए, खामोश रहिए, अपना नॉलेज विजडम गेन करते रहिए, और जब तक चीज़ों को किसी के सामने मत बताइए, जब तक चीज़ें पॉजिटिव नहीं हो जाती, चीज़ें हील नहीं हो जाती, चुप्पी खामोशी के साथ आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, चीज़ें सही होंगी, पॉजिटिव होंगी, समय वक्त लगेगा, एक दूसरे की भावनाओं को जब तक आप नहीं समझते, तो तब तक आप रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में मत सोचिएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनिएगा, और समय को समय दीजिए, चीज़ें धीरे धीरे करके, जो इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जगलिंग फेज में आप जिगजैग कर रहे हैं, वहाँ पर आपको रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, एक मन एक विचार बनाना पड़ेगा, जो चीज़ें सही लग रही हैं उधर आप जाइए और चीज़ों को आगे।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।